काफी समय से सरकार दलितों के हक में कुछ भी करने से असहाय नजर आ रही है और अब मद्रास हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। बता दे, मद्रास हाईकोर्ट ने एक अजीब फैसला सुनाया है। एक दलित दंपत्ति ने बतौर मैला ढोने का काम करने से मना किया तो मद्रास हाईकोर्ट ने उन पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। साथ ही दंपत्ति ने कहा कि कोर्ट ने हमारी एक भी शिकायत नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि हम आज भी गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं बचे हैं। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि जैसे कि स्वीपर को काम दिया जाता है, उन्हें टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। जैसे उनकी नियुक्ति घरेलू नौकरानी के तौर पर हुई तो उन्हें पूरे परिवार के कपड़े भी धोने होंगे। उसी तरह स्वीपर यहाँ शिकायत नहीं कर सकता कि उसे टॉयलेट साफ करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले से दलित दंपत्ति की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और दंपत्ति भी मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से बेहद खफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम।